माय चैनल के लिए कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं सेरी ग्रो की, जो कि एक नेस्ले का प्रोडक्ट है और ये 2 से 5 साल के बच्चों के लिए आता है। ये एक मल्टीग्रेन सीरियल है जो कि मिल्क एंड फ्रूट के साथ है। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चा ढंग से खाना नहीं खाता है, या तो उन्हें जो हम डेली फूड दे रहे हैं वो पसंद नहीं आ रहा, या तो वो बोर हो जाते हैं, या कभी कभी वो बदमाशी भी करते हैं, नहीं खाना खाते हैं, या उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो उस केस में हमें लगता है कि बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम इस नेस्ले के सेरी ग्रो प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं, जो कि 2 से 5 साल के बच्चों के लिए है। और जैसा कि मैंने बताया, ये मल्टीग्रेन सीरियल है, इसमें मिल्क और फ्रूट भी है, जो कि हमारे बच्चे को पूरा मल्टी न्यूट्रिशन इससे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि रेडीमेड फूड जो है वो एक एडिशनल ऑप्शन है। वैसे हमें बेबी को जो भी हम फूड खाते हैं वही खिलाना चाहिए। जो भी हम खाना खाते हैं वो बेबी को जरूर खिलाएं, ताकि वो खाए या ना खाए हमें थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, ताकि उस खाने की भी उसे आदत रहे और इससे उसका टेस्ट भी पता चलेगा और धीरे धीरे वो खाना भी सीख जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये है नेस्ले का सेरी ग्रो प्रोडक्ट, जिसका आउटर पैकेजिंग ऐसा है। यहाँ पे आपको न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन सारी दी हुई है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसे कैसे बनाना है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी पीने का पानी है उसे 5 मिनट तक उबालें, और जैसे वो थोड़ा गुनगुना सा रहे तो उसमें हमें 130 ml जो पानी लेना है, उसमें हमें 50 ग्राम पाउडर डालना है। इस पैकेट के अंदर एक चम्मच निकलेगा, उस चम्मच से हमें 6 चम्मच लेना है। उस पाउडर को जो भी गर्म पानी हमने किया है उसमें डालना है और उसे मिक्स करना है, और ये खाना रेडी हो जाएगा देने के लिए। जो चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखनी है वो है कि हम इसे दिन में एक ही बार दे सकते हैं, और दूसरा चीज़ ये है कि जब भी हम खाना तैयार करें उस खाने को आधे घंटे के पहले ही उसे खिला दीजिए। अगर आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है तो उस खाने को ना खिलाएं, वो आपके बेबी के लिए नुकसान करेगा। अगर लेफ्ट ओवर है तो आप उसे फेंक दीजिए। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप उतना ही खाना बनाएं जितना आपका बेबी खाता हो, या तो आप पहले थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में दें, अगर उसे पसंद आता है तो वैसे ही आप बढ़ाते जाएं। तो चलिए बात करते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की। तो इसमें क्या क्या है, किस चीज़ से ये बना है। तो ये मल्टीग्रेन मिल्क और फ्रूट से बना है, जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है 2 साल के बच्चे के लिए, या 2 से ज़्यादा जो कि 5 साल तक के बच्चे को दे सकते हैं उसके लिए, या इसे बोल सकते हैं कि एक बैलेंस डाइट है हमारे बच्चे के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रिच इन आयरन सोर्स, तो ये जो है ये आयरन का भी बहुत ही अच्छा सोर्स है, ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट करेगा हमारे बेबी का। और साथ ही इसमें ये जो विटामिन्स हैं वो विटामिन्स ए सी एंड डी, और इसके साथ कैल्शियम भी है। इसके अलावा ये 17 विटामिन्स एंड मिनरल्स का सोर्स है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं है, जो कि हमारे बेबी के लिए बहुत ही अच्छा है। इस पैकेट को ओपन करने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके रख दीजिए। और एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे कि ये ट्रेवल फ्रेंडली फूड भी है, क्योंकि जब भी हम बेबी के साथ ट्रेवल करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है खाने के लिए, तो इस दौरान हम ट्रेवलिंग के दौरान इसे ले जा सकते हैं, और इसके लिए सिर्फ हमें गर्म पानी की ज़रूरत होगी और ये इजली बन जाता है, और मोस्टली बेबी को इसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो चलिए प्राइस की बात करते हैं। तो ये पैकेट है 300 ग्राम का, और इसकी जो प्राइस है वो है 265 रुपीज़।
इस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मेंशन रहती है, जो कि आपको देखना चाहिए और देख के ही आप परचेज करें, क्योंकि बेबी का प्रोडक्ट है इसलिए हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप इसे कहाँ से खरीद सकते हैं? तो आप इसे जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ये हर जगह अवेलेबल है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।